हेलो एवरीवन, दिस इज दिलशी अख्तर, केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ आईआईटी नीट एट सेंट जेवियर स्कूल। आज हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, और आईआईटी नीट के लिए भी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपके क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहे हैं, इस क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट आपका कह रहा है किसमें है, पैरा नाइट्रोफिनॉल में होगा कि मिनर नाइट्रोफिनॉल में होगा कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में होगा कि फिनॉल में होगा, ठीक है। पैरा नाइट्रोफिनॉल, जैसे मान लो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे OH ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे सपोज करते हैं मेटा पे, ठीक है। अब यहाँ देखो, पता है लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट कह रहा है, लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, मेटा पोजीशंस पे। अब यहाँ देखो ये क्या होता है, यहाँ पे इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो ये है आपका स्टीम वोलाटाइल हो जाएगा, ठीक है, स्टीम वोलाटाइल। तो इस वजह से क्या होगा, ये कौन से पोजीशंस पे होगा, पैरा की, मेटा की, ऑर्थो की, फिनॉल, तो आपका क्या हो जाएगा, मेटा पोजीशंस पे हो जा, क्या होता है, लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डू यू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन टू बाईफेनिल, ओके। कह रहा है क्लोरोबेंजीन टू बाईफेनिल, चलिए इसको देखिए, यहाँ पे ये कह रहा है। अब क्लोरोबेंजीन जैसे मान लीजिए ये, ठीक है, ये हो गया क्लोरोबेंजीन। अब इसको कह रहा है क्या है, कन्वर्ट करना है इसमें बाईफेनिल में, बाईफेनिल का मतलब ये, ठीक है, बाईफेनिल में। तो अब ये बताओ इसमें आप कौन सा रिएजेंट यूज़ करोगे, ठीक है, इसमें क्या है, कौन सा रिएजेंट यूज़ करोगे, ठीक है, बताओ इसमें कौन सा रिएजेंट यूज़ करोगे, सोचिए। क्लोरोबेंजीन है आपका, आप इसमें कौन सा रिएजेंट यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, बताइए। क्लोरोबेंजीन से आपको बाईफेनिल बनाना है, तो बस आपको रिएजेंट बताना है क्या होगा। देखिए आपका रिएजेंट जो होगा वो मेटल, जैसे आपका ये हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे होगा आपका सोडियम, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम ड्राई ईथर, ठीक है, तो आपका क्या फॉर्म होता है, बाईफेनिल, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अब कह रहा है प्रोपीन टू वन ब्रोमो, कह रहा है प्रोपीन टू वन ब्रोमो प्रोपेन। अब कह रहा है प्रोपीन से, प्रोपीन जैसे कार्बन, ये हो गया प्रोपीन, प्रोपीन से कह रहा है आपको क्या बनाना है, वन ब्रोमो प्रोपेन, वन ब्रोमो प्रोपेन का मतलब ये, ठीक है। अब इसमें बताओ क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और वन ब्रोमेड है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे एच बी आर है। अब बताओ यहाँ पे मार्कोनी ग्रुप लगाए कि एंटी मार्कोनी ग्रुप, देख के। अब यहाँ बताओ अगर हम यहाँ पे पराक्साइड ले लें, ठीक है, तो इसका मतलब क्या जाहिर होता है कि हम एंटी मार्कोनी को रूल लगाए, ठीक है, तो ये हो जाएगा एच बी आर इन द प्रेजेंस ऑफ पराक्साइड, तो ये हो जाएगा। अब थर्ड देखो, थर्ड कह रहा है टू ब्रोमो ब्यूटेन टू ब्यूटूइन, ठीक है, इसमें कह रहा है टू ब्रोमो ब्यूटेन टू, इसको लिख लीजिए टू ब्रोमो ब्यूटेन टू ब्यूटूइन। अब इसमें देखिए आपका क्या बनेगा, यहाँ पे क्या करेंगे आप इसको, इस वाले में हो जाएगा आपका, इस वाले में हो जाएगा टू ब्रोमो, टू ब्रोमो का मतलब यहाँ पे बीआर होगा और क्या, ब्यूटेन है चार कार्बन, ओके, टू ब्यूटोइन, इसका मतलब ब्यूटोइन कह रहा है, ब्यूटोइन ये होगा। तो अब ये बताओ यहाँ पे किसके प्रेजेंस में, पहली बार ये देखो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड हो रहा है, मीन्स यहाँ पे क्या है आपका, एलिमिनेशन रिएक्शन शो कर रहा है, और एलिमिनेशन में क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, और क्या लिखेंगे, एल्कोहलिक लिखेंगे, तभी होगा आपका एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, तो ये हो जाएगा टू ब्रोमो ब्यूटेन से आपने क्या बनाया, ब्यूटोइन, ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे
रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, ठीक है, फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म, फिनॉल जैसे ये, ठीक है, रिएक्शंस ऑफ फिनॉल टू क्लोरोफॉर्म, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, क्या कह रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH फाइनली इंट्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप, आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसमें फंक्शनल ग्रुप आपका क्या होगा, ये होगा कि ये होगा कि ये होगा, ये होगा, क्या होगा बताइए इसमें। देखिए ये आप एक तरीके से देखो तो क्या है, ये एक देखो रीमर टीमर रिएक्शंस, पता है रीमर टीमर रिएक्शंस, रीमर टीमर रिएक्शंस में होता है आपका फिनॉल आपका जो है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में आपका डाइल्यूट NaOH देखेंगे, उसके बाद आपका क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, CHO ग्रुप ये लगा रहेगा, जिसको कहते हैं आर्थोमेटा पोजिशन पे, जैसे ये देखो यहाँ पे OH एक यहाँ लग जाएगा और नेक्स्ट ये रही है आपका रीमर टीमर रिएक्शंस में, ओके कर लीजिएगा, तो इसका मतलब आपका प्रोडक्ट ये फॉर्म होने वाला, तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, CHO, तो ये हो जाएगा आप क्वेश्चन, ठीक है, ये था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चंस इसमें देखिए कह रहा है कंप्लीट द रिएक्शंस, इस टाइप के अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आ गए तो आप क्या करेंगे, ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं, जबकि ये सब क्वेश्चंस जो है इस प्रीवियस वीडियो में हमने बना चुका है, ठीक है। इसमें देखो ये अल्कोहल के क्वेश्चंस देखो यहाँ पे, इसमें आपको पता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ अटैक करेगा, ठीक है, जब यहाँ ये अटैक करेगा तो इस तरीके से जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या बनने वाला, तो यहाँ आपका ये हो जाएगा इस तरीके से, यहाँ हो जाएगा आपका O नेगेटिवली चार्ज, और यहाँ पे है आपका O, यहाँ पे R, और यहाँ पे H, और यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज, ओके। अब ये क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज दूर होगा, H निकलेगा, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला आपका, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे OH, यहाँ H, और यहाँ पे आपका OR, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर देखो अब क्या करो इसमें, फिर क्या करो OS से कराओ, फिर क्या करोगे, जब यहाँ OH जो है आपका फिर यहाँ पे इस पोजीशन पे अटैक करेगा तो ये आपका OH जो है निकल जाएगा, तो इस तरीके से देखो प्रोडक्ट आपका क्या फॉर्म हो गया, ये आपका प्रोडक्ट जो है यहाँ हो गया आपका OR, यहाँ पे हो गया आपका OR, ठीक है। इसको चीज़ को क्या बोलते हैं, एसीटल, क्या बोलेंगे, एसीटल, तो ये क्या था आपका एसीटल, ये आपका एसीटल, ठीक है। अब नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे आप ROH कराएंगे, ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे ROH कराने वाले फिर से अगेन, तो ये आपका एसीटल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट आपका ये रिएक्शंस, ठीक है, इसमें देखिए क्या होगा, ये किस टाइप का रिएक्शंस है आपका, ये आपका कौन से रिएक्शंस है, रिएक्शंस को देख से लगता है आपका ये कहने जा रहा हूँ रिएक्शंस हो कर रहा है। देखिए यहाँ पे क्या होने वाला आपका, यहाँ ये हो जाएगा, यहाँ पे अगर बेस आप अटैक करा है, ठीक है, पहली बार कैसे होगा, इस H को इस तरीके से लिख दीजिए, इसको ऐसे और इसको ऐसे, यहाँ से ये वाले H को रिमूव कर दीजिए, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन ये है, ठीक है, ये यहाँ अटैक करेगा तो ये आपका ये, इसका मतलब H2O आपका निकल गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना आपका CH2 माइनस और यहाँ पे C, ठीक है, OH, ठीक है, ये बनने वाला, एक दो एक्स्ट्रा लिख दिए सी, ठीक है, तो क्या बनने वाला आपका CH2-। अब ये क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो ये बॉन्ड वहाँ जाएगा, तो क्या बनने वाला नेक्स्ट में आपका ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे हो जाएगा O नेगेटिवली चार्ज और यहाँ पे आपका H। अब क्या करो, अब इसको इससे रिएक्ट कराओ, ये क्या है आपका, ठीक है, ये चलो इसको इससे रिएक्ट कराओ, ये क्या होगा, ये यहाँ अटैक करेगा, जब यहाँ अटैक करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ठीक है, और ये यहाँ पे, तो क्या होने वाला, ये हो जाएगा आपका O नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका CH2
डबल बॉन्ड H, ये हो जाएगा। फिर आप क्या करो, H2O पास करा दो, क्या होने वाला नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में आपका ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा OH और यहाँ पे हो जाएगा आपका CH2CHO। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये, ठीक है। तो ये थे, इस तरीके से एग्ज़ाम में आ जाएंगे कंप्लीट करने के लिए क्वेश्चन, तो ये होगा आपका, ठीक है। ओके, थैंक यू।